के बजवा रहे हैं जैकी, वीडियो बनवा लिए। नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें हम आपको हरियाणा के करनाल जिले के हांसी चौक से ये तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां पर नए साल के चलते करनाल पुलिस की आप चौकसी देख सकते हैं। हर चौक चौराहों पर इसी तरीके से करनाल ट्रैफिक पुलिस की चौकसी देखी जा रही है। जितने भी दो पहिया वाहन हैं या फिर जो गाड़ी के चालक हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। और ख़ासतौर से आप ये देख सकते हैं कि जो बुलेट्स मोटरसाइकिल्स होती हैं, उनकी यहाँ पर जो है जांच की जाती है। अगर पटाखे बजाए जाते हैं, यानी कि कहें तो अगर साइलेंसर में मॉडिफाई अगर आपने करवाया है तो 10,000 रुपये का जो है चलान किया जाएगा। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करें। करनाल ट्रैफिक पुलिस की ये जो मुहिम है काफ़ी दिनों से देखी जा रही है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। करनाल के जो जोहांसी चौक है, वहाँ पर जो है करनाल पुलिस सुबह से ही यहाँ पर उनकी चौकसी देखी जा रही है। आप जो ये रोड देख रहे हैं, काफ़ी जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ से होकर गुजरते हैं। और नया साल, जी हाँ, आज 31 दिसंबर है, कल नया साल है, उसी के चलते करनाल के प्रत्येक चौक चौराहों पर इसी तरीके से करनाल ट्रैफिक पुलिस की जो चौकसी है वो देखी जा रही है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं करनाल पुलिस प्रत्येक चौक चौराहों पर उनकी जो मुस्तैदगी है वो यहाँ पर देखी जा रही है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य करें। और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ध्यान अपना ध्यान रखना है, जो दस्तावेज़ है वो साथ लेकर चलने हैं। और ख़ास तौर से जो लोग बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हैं, जिन्होंने अपना साइलेंसर मॉडिफाई करवाया हुआ है, वो ख़ास तौर से ये जांच लें कि उनकी मोटरसाइकिल पर अगर पटाखे बजते हैं तो 10,000 का चलान हो सकता है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ये देख सकते हैं काफ़ी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे नए साल के उपलक्ष्य में? देखिए, कल नया साल आने वाला है और लोग आज नए साल के उपलक्ष्य में खुशियाँ भी मनाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन कुछ शरारती तत्व जो है वो हुड़दंगबाजी करेंगे, जैसे बाइक के साइलेंसर उतार के पटाखे बजाना, ट्रिपल राइडिंग पे हुल्लड़बाजी करना, उन लोगों के लिए हमने अब से लेकर रात तक ड्यूटियां लगा दी गई हैं। करनाल शहर में हर चौराहे पर चौकसी बरती जाएगी, हर चौराहे पर चेकिंग होगी। तो सर, क्या चार्ज लिया जाता है जो कोई बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाता है? बुलेट मोटरसाइकिल पर या तो बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाता है या साइलेंसर उतारा जाता है किसी बाइक का। कई बाइक ऐसी देखने में आई हैं जो साइलेंसर उतारा कर ज़्यादा शोर करते हैं, जिससे लेडीज़ और खासकर बुजुर्ग आदमियों पर बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। उसका 10,000 रुपये का चालान होगा, ये 63 नंबर में आता है। तो सर, आज 31 दिसंबर है और रात को देखा जाता है 12 बजे के करीब, क्या तैयारी है करनाल पुलिस की, क्या तैयारी है? देखो, करनाल पुलिस की तैयारी है, एसपी साहब के आदेश अनुसार हमारे सभी चौक चौराहों पर ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। किसी भी चौक चौराहे पर किसी भी प्रकार की शरारती तत्वों की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे हम, कि कोई ऐसा तत्व आए कि भाई शरारत करे या कोई दारू के नशे में या कोई हुल्लड़बाजी करे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो रात को भी इसी तरीके से आपकी मुस्तैदगी देखी जाएगी? हाँ जी, अब से लेकर पूरी रात यही मुस्तैदगी हमारी रहेगी। दो पहिया वाहनों के साथ साथ हर व्हीकल की चेकिंग होगी, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना मिले भाई जो शराब पी कर ड्राइविंग कर रहे हो तो उसकी गाड़ी इम्पाउंड कर जाएगी। आप ये देख सकते हैं 31 दिसंबर, आज 31 दिसंबर है और अमूमन देखा जाता है 31 दिसंबर के दो के दिन काफ़ी जो खास तौर से जो युवा वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो काफ़ी हुड़दंगबाजी मचाते हुए दिखाई देते हैं। और उन्हीं लोगों पर अंकुश लगाने के लिए आप ये देख सकते हैं करनाल पुलिस की जो तैयारियां हैं वो यहां पर देखी जा रही हैं। आप ये देख सकते हैं 4 से 5 मोटरसाइकिलों को यहाँ पर पकड़ लिया गया है, सभी के चलान किए जा रहे हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चूंकि आज 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी है और रात भर जो है काफ़ी जो युवा वर्ग है वो हुड़दंगबाजी जो है करता हुआ पाया जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इन सभी मोटरसाइकिलों का यहाँ पर जो है चलान किया जा रहा है, क्योंकि दस्तावेज़ पूरे नहीं होते हैं। और वहीं दूसरी ओर बुलेट मोटरसाइकिल की साइलेंसर की अगर हम बात करें तो वो मॉडिफाई करवाए जाते हैं और फिर उसके बाद जो है पटाखे बजाए जाते हैं।
है जो कि अवैध है, और उसी के चलते आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए करनाल पुलिस की आप मुस्तैदगी देखी जा रही है। यह हांसी रोड की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और इसके अलावा करनाल के प्रत्येक चौक चौराहे पर आज करनाल पुलिस की एक अच्छी खासी जो है मुस्तैदगी देखी जा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग अपनी बुलेट मोटरसाइकिल का जो साइलेंसर मॉडिफाई करवाते हैं, फिर उसके बाद जो है एक भारी जुर्माना जो है इनको देना पड़ता है। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल यहाँ पर जो चालान की प्रक्रिया है वो यहाँ पर देखी जा रही है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य करें, आज इनसे बात करना चाहेंगे। आप बताएं, आप बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे क्यों, आपने साइलेंसर मॉडिफाई? नहीं, मेरी बाइक नहीं है, मैंने मॉडिफाई नहीं करवाया, मैं रिश्तेदारी में आया हूँ। तुम नहीं पटाखे मार रही, मैंने कोई पटाखा नहीं मरवाया, मेरी कोई गलती नहीं इसमें, ये मंगी भी बाइक है, 2 मिनट के लिए आया था। आपको मालूम है कितना चालान भरा जाएगा? 55। कितना चालान किया जाएगा मालूम है सर आपको? सर जी मेरे को नहीं पता इस बारे में कितना चालान किया जाएगा सर। नहीं पता सर, थोड़ी देर में देखते हैं, अब इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख ले, अगर नहीं है तो देखते हैं, बताते हैं आपको। हाँ पटाखे का तो है ही, 10,000 का है, तो 10,000 का चलान है। बोला जी मॉडिफाई करना था लेंसर को। ये बुलेट मोटरसाइकिल इन्हीं की है? नहीं हाँ जी इन्हीं की, जो गाड़ी चला रहा था उसी की मालिक है वो। तो हमने क्या बता सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग बुलेट मोटरसाइकिल्स घर से बाहर लेकर चलते हैं वो सतर्क हो जाएं। अगर बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाए मिलेंगे तो फिर जो है 10,000 रुपये का जुर्माना जो है वो आपको भरना पड़ सकता है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दें, और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से करनाल पुलिस की जो मुस्तैदगी है वो हर चौक चौराहों पर इसी तरीके से देखी जा रही है। करनाल के हांसी चौक से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये माल रोड की तरफ रोड जाता है, और जो ये रोड है ये असंत की तरफ जाता है, जींद की तरफ जाता है, काफ़ी शहर और काफ़ी जो गांव है कस्बे हैं वो यहां से जुड़ते हैं, और वहीं दूसरी ओर ये मुनक की तरफ रोड जाता है। तो लगातार करनाल पुलिस की एक पैनी नज़र बनाए हुए है, क्योंकि 31 दिसंबर को काफ़ी जो शरारती तत्व हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और उन्हीं पर अंकुश लगाने के लिए आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से करनाल पुलिस की यहाँ पर जो है एक मुस्तैदगी देखी जा रही है। तमाम गाड़ियों को, दो पहिया वाहन को खासतौर से चेक किया जा रहा है, जहाँ कमी पाई गई वहाँ पर चलान किया जाएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी तरीके से बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।